हेलो एसेसरियंस, आज मुझे पता चल गया है किन किन कारणों से ये जो सुशांत सिंह के केस चल रहे हैं अभी तक क्या चल रहा है, किन किन कारणों से डिले हो रहा है। अभी जो उनके बहन है प्रियंका सिंह, उनके साथ कोई चैट चला था शायद ट्विटर पे, जो जल त्रिवेदी जी का चैनल पे आके मैंने देखा। उन्होंने क्या कहा है, जो वो लोग साइलेंट क्यों हैं, बोला है कुछ बोलेंगे तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है, केस चल रहा है, इसमें हैम्पर होगा। ये तो बात सही है, हम राय नहीं, हम अपने अपने राय रख सकते हैं, लेकिन घर वाले कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो विटनेस है। और दूसरी बात, उन्होंने शुक्रिया अदा किया सबका जिन्होंने आवाज़ उठाए, तो ये तो अच्छी बात है। और तीसरी बात, उन्होंने बोला बॉलीवुड में 90s के दौर में जैसे अंडरवर्ल्ड का हाथ था, दबदबा था, अभी भी चल रहा है, लेकिन चोरी छुपे। तो यही बात, यही एक्सपोज करना चाहते हैं शायद। पहले तो मैंने सोचा था जो ड्रग कार्टल है उसको एक्सपोज करेंगे, इसीलिए सब नहीं पकड़ा गया है, इसीलिए इतना देर हो रहा है, लेकिन ये नहीं, एक्चुअल में जो अंडरवर्ल्ड का ये है कनेक्शन है। अभी सुशांत की दूसरी बहन जो श्वेता सिंह कीर्ति ने बोला था सीबीआई ग्रिल फॉर इम्तियाज खत्री, तो यही बात से पता चला इम्तियाज खत्री कहाँ से जुड़े हुए हैं, साजिद नादियावाला का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है। तो जब तक ये सब पकड़ा नहीं जाएंगे तो ये केस चलता रहेगा। सुशांत जिंदा है नहीं है, उस दिन सुशांत अपने घर पे था नहीं था, डेड बॉडीज किसकी थी, ये सब बाद में आएगा। ये जो ड्रामा रचा गया है, मुझे लगा था खाली ड्रग्स को लेके नहीं है, अंडरवर्ल्ड को लेके भी है। अंडरवर्ल्ड कैसे इन्वॉल्व हुए, वो जो पहले फिल्म इंडस्ट्री में किसके हाथ था, बंगाली लोगों का, ये लोग बहुत अच्छी तरीके से साफ सुथरी फिल्में बनाते थे, इंटेलेक्चुअल पीपल थे ये लोग, बिमोल रॉय जो भी हो, सत्यजीत रे, जब जो भी हो, ये लोग आए थे। फर्स्ट देवदास बंगाली में बना था, वो मेरा ग्रेट ग्रैंड अंकल था प्रमोथेश बरुआ, असम से, लेकिन रहते थे कलकत्ता में। तो प्रमोथेश बरुआ आके देवदास फर्स्ट टाइम बनाया था बंगाली में, फिर हिंदी में बना, इसके बाद कुंडलाल साइकिल का बना, कुंडलाल साइकिल जो थे देवदास में। तो उस जमाने में हमारे असम के लोग, मेरे ग्रेट ग्रैंड अंकल, तो ये आके बॉलीवुड में फिल्म बनाया, तो उन लोगों का हाथ था इसमें। और तभी गाने सब भी प्योर हिंदी में थे, कोई उर्दू शब्द नहीं थे, बाद में आहिस्ता आहिस्ता आ गया, सब उर्दू सीखने लगे। सलीम जावेद शोले जैसा धमाकेदार फिल्म दिया, तो यहाँ आ गया ये कनेक्शन, मतलब हिंदी से उर्दू को टर्न हुआ, सब भाषा भी बदल गई। और आ गया आहिस्ता आहिस्ता कनेक्टेड हो गया अंडरवर्ल्ड से, इन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, ब्लैक मनी वाइट किया, हवाले के जरिए विदेश पैसा भेजा, ये सब जो हवाला, फिर अंडरवर्ल्ड के जो सिस्टम है फिल्मों में दिखाई दिया, वायलेंस दिखने लगे फिल्मों में, डॉन बनाया अमिताभ बच्चन का डॉन, तो ये सब पिक्चर जो आए वो मतलब प्रैक्टिकली ये सब हो रहा था मुंबई में, बॉलीवुड में हो रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता सब इन्वेस्ट करने लगे अंडरवर्ल्ड के लोग, उनके पैसे फिल्मों में लगा के, ये जो 100 करोड़ का कैंप है ये है सब सच नहीं है, क्योंकि एक फिल्म में अगर 100 करोड़ या जो भी हो इनकम हो जाता है वहाँ से हवाला का,
मनी वाइट मनी हो जाता है, चाहे इतना इनकम हो भी नहीं। तो ये सब दिखाने को है। तो आप लोग तो जानते ही है किस किन 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 फिल्मों में करोड़ों करोड़ इनकम होता है, तो ये सब हवाला है सब। और ये 90s के दौर में जैसे आ गया था, चोरी चोरी चुपके चुपके फर्स्ट कंट्रोवर्सी में आया, अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा था। तो इसी तरह पैसा लगाते रहे ये लोग, और यही शायद सुशांत सिंह राजपूत एक्सपोज करने गए थे और ये सब ड्रामा हुआ। मुझे तो नहीं लगता है सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया, मर्डर हुआ। और ये आहिस्ता आहिस्ता जान गई हूँ मैं कि ये ड्रामा हुआ था। तो सुशांत सिंह कब निकलेगा? अभी ये सब पकड़ा, जब तक पकड़ा नहीं जाएगा शायद वो नहीं निकलेंगे। तो आप लोग भी सोच लीजिए, ऐसी फिल्म हम नहीं देखेंगे जिसमें ज़्यादा वायलेंस हो, ज़्यादा अंडरवर्ल्ड के बातें हो, जो कुछ भी हो रहा है। हाँ, कोई कोई फिल्म हम देख सकते हैं जिसमें हमको एक लेसन मिले। यहाँ तो पैसे का तो हवाला का ये सब है, बाद में आ गया सेक्स रैकेट, अभी जो ये ऐप जो आ रहे हैं, अभी उल्लू का भी हो बैन बज गया। उल्लू में इतनी गंदगी है, ये सब किसने लाया है? ये कनेक्शन, ये तार जुड़ा हुआ बाहर देशों से। हमके हमारे इंडिया को कल्चर, इंडिया के कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं ये लोग। और यही देखे ये सब चला चला के, जैसे विभोर आनंद जी ने बहुत पहले ही बोला था, क्या होता है, पहले लड़कियों को फिल्मों में आते हैं लड़कियां, उसको दुबई में शो करने को भेजते हैं, दुबई में शो करने के बाद उसको भेज देते हैं पाकिस्तान चार्टर प्लेन लेके, और वहाँ जाके बड़े बड़े लोगों के साथ उनका संबंध बन जाते हैं। ये सब वीडियो बना के रखते हैं, वो वीडियो देख के ब्लैकमेल करते हैं उसी वही लड़कियों को, नए नए एक्ट्रेस मॉडल जो भी हो, उनको भेजते हैं हमारे मिनिस्टर लोगों के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के पीछे। हनी ट्रैपिंग होता है, या कोई भी खुशी से जाता है उनको एंजॉय करते हैं, उसका भी फोटोग्राफ्स वीडियो होता है, और वो दिखा के बोल देते हैं अभी देश में ये कांड होने वाला है, आप लोग चुप रहिए नहीं तो आपको एक्सपोज करेंगे। ऐसे ही ताज होटल में अटैक हुआ था, क्योंकि यूपीए के टाइम में बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई थी जो इन लोगों ने पकड़ नहीं पाए, या पकड़ा नहीं गया मैंने इंटेंशनली। तो यही बात है, बॉलीवुड के जरिए हमारे देश को खोखला कर दिया है। और बॉलीवुड में कौन लोग आ गए हैं? जो उर्दू भाषी, ये लोग आ गया है। तो बॉलीवुड को अभी साफ करना, क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे दिग्गजों के नाम अभी तो है ही नहीं कहीं पे। आप लोगों में कितने लोग जानते हैं देवदास फर्स्ट टाइम किसने बनाया था? वो मेरा ग्रैंड अंकल था, ग्रेट ग्रैंड अंकल प्रमोथेश बरुआ, लेकिन नाम कोई नहीं जानता है क्योंकि बॉलीवुड ने उसका नाम ही नहीं लिया, गूगल पे है। तो देख लीजिए, ऐसे ही बॉलीवुड चलता रहेगा या हमको साफ करना पड़ेगा? एक सुशांत ने तो साफ बहुत किया और कर ही रहे हैं अभी तक। तो अभी देखिए सुशांत जैसा और दो तीन चार इंटेलिजेंट लोग निकल आए तो बॉलीवुड साफ हो जाएगा। थैंक यू।